है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश जी नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और चार चार गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला है। हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को, क्या बेवकूफी की गई है। ये सोचने का विषय सर, ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेता था सर। ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है इस देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती। महोदय मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हुई। किसान और आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना मिल समय पर पैसा नहीं देती है। गुलदार ने 30 लोगों की जान एक साल में ली है पिछले, कोई फर्क नहीं पड़ता अमीरों को। उद्योग धंधे लगाने कोई बात नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट कॉलेज की कोई बात नहीं हुई। महोदय देश में भूमि सुधार किया जाए, लाखों बीघा जमीन जो है भूमाफियाओं ने कब्जाई हुई है, भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाए, बिजली के दाम में कटौती की जाए, गरीबों को कम दाम पे जो है बिजली उपलब्ध कराई जाए, ठेकेदारी प्रथा संविदा लेटर एंट्री खत्म की जाए, पक्की नौकरी दी जाए। निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई हैं। मेरी मांग है और मैंने निजी विधेयक भी पेश किया था कि निजी क्षेत्रों में SC ST की OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लोगों के पास एक तरफ सरकारी योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है, नवी मुंबई में के खार घर में। व्हाट इज नेम पटेल, पटेल इज नॉट सम गॉड, नो दिस इज द कास्टर, दिस कास्टर चंद्रशेखर, दिस पटेल। माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर? इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। आ गया, धन्यवाद। हमारे लोग सर आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों के लिए कई बार सरकार से बात हुई, वापस नहीं हुई, उनको वापस कराया जाए। भीमा को वकीलों को बहुत पैसे लगते हैं सर। भीमा कोरे गांव में 3000 लोगों पर मुकदमे हुए थे महाराष्ट्र में, वो वापस नहीं हुए। पुणे में दीक्षा भूमि जो हमारा गौरव है उसका वहाँ पार्किंग बना के उसको अपमानित किया जा रहा है, इसको बंद कराया जाए। पेट्रोल पंप के जो डीलर्स मार्जिन है वो 2017 से नहीं बढ़ा सर, इसका असर ग्राहकों पर पड़ता है, इसका असर जो है पेट्रोल पंप के नेटवर्क सुचारू रूप से चलाने पे पड़ता है। डीजल मार्जिन की बढ़ोतरी ना होने से हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। सहारा का में 10 करोड़ जमाकर्ता का लाखों करोड़ रुपए जमा है, कंपनी बंद हो जाने के कारण 10 लाख से ज़्यादा एजेंट बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं। भुगतान ना होने के कारण जमाकर्ताओं के द्वारा एजेंट पर जबरदस्ती भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण 5000 से ज़्यादा एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है, और भी बुनियादी सुविधा की जरूरत पड़ती है अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी एक बात मुझे आपसे कहनी है, आपने भी ये विषय उठाया था जब आप अपनी बात रख रहे थे, शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब EWF 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ OBC की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं,
जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया हो। मेरे आज भी याद है, उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और चार चार गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने, हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूँ सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज माइंड अप प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहाँ किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखना मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे, थैंक यू, कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल प्लीज। सर अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। आज भी याद है, उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और चार चार गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला है। हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित। व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता सर। ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, वो संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, थैंक यू, जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज माइंड अप प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहाँ किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखना मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे, थैंक यू, कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल प्लीज।